क्लास एट्थ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है डिवाइड एज डायरेक्टेड, डिवाइड करो जैसा कहा गया हुआ है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो देखो। 5 टाइम 2x प्लस 1 फिर 3x प्लस 5 को डिवाइड करना है 2x प्लस 1 के साथ, तो चलो करते हैं इसको। 5 टाइम 2x प्लस 1 फिर 3x प्लस 5, ये डिवाइड किया किसके साथ, 2x प्लस 1 के साथ, ठीक है। 2x प्लस 1 पूरा इसके साथ ख़त्म, जो बच गया वही आंसर। 5 टाइम 3x प्लस 5 ये आंसर आ गया, बस ख़त्म। बहुत सिंपल है अगला भी, ये देखो क्या करना है। 26xy फिर x प्लस 5 y माइनस 4 को डिवाइड करना है 13x और फिर ये ब्रैकेट में y माइनस 4, देख लो जो कैंसिल होता है। y माइनस 4 पूरा चला गया, ये वाला x और ये वाला x चला गया, ये नंबर भी कैंसिल हो सकते हैं। 13 वन ज़ा 13 टूज़ आर। अब जो बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, देख लो ऊपर क्या बचा, 2 बचा, साथ में ये एक y भी बचा है। देखना कोई छूटना नहीं चाहिए, हर एक चीज़ लिखनी है आपने, 2y और फिर ब्रैकेट में ये x प्लस 5, ये हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ये देखो थर्ड पार्ट। 52PQR फिर ब्रैकेट में क्या है, P प्लस क्यू फिर Q प्लस R फिर R प्लस P और इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 104PQ और फिर Q प्लस R और R प्लस P, जो कैंसिल होता करो। Q प्लस R गया, R प्लस P गया, P गया, Q गया और ये 52 और 104 है ना, ये भी चले जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर 52 को अगर हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा ही चला जाएगा, ऐसे आएगा 52 वन ज़ा 52 एंड 52 टू ज़ार 104। अब देखो क्या क्या बचा, ऊपर क्या बचा, एक तो R बचा हुआ है, ध्यान से कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, और फिर क्या बचा हुआ है, P प्लस क्यू और नीचे डिवाइड किसके साथ, ये 2 बचा, बाकी कुछ नहीं बचा। तो ये पार्ट ख़त्म हो गया, कितने आसान क्वेश्चंस है ये। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है ना, इस फोर्थ पार्ट को एक्चुअली पता क्या होना चाहिए था, ये फोर्थ पार्ट होना चाहिए था अगले क्वेश्चन में, लेकिन इसने ये पहले ही दे दिया हुआ है। आपने फोर्थ पार्ट जैसा कोई किया ही नहीं हुआ है, ये पांचवें क्वेश्चन में आपने ये सीखना है इसको कैसे करना है। चलो कोई नहीं, करवा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा लग गया ये, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। देखो 20y प्लस 4 और फिर ये देखो पूरी टर्म को देखो, ये अलग सी है, ये y² + 5y + 3 और इसको डिवाइड करना है 5 टाइम y प्लस 4। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे ऐसे, अगले क्वेश्चन में इस तरह के आएंगे। इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बोलने लगा हूँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार फिर से ये जो एक्सरसाइज है ना 13.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 उसको एक बार रिवाइज कर लेना, तो ये आसान हो जाएगा। 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस तरह की टर्म्स होती थी और हम सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करते थे, तोड़ते थे और इस क्वेश्चन को आगे किया जाता था, ठीक है। तो इसमें भी स्प्लिटिंग करनी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्प्लिटिंग हो नहीं पाएगी।
फाइव की जगह कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको प्लस या माइनस करके फाइव ही आ जाए, और उनकी मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आनी चाहिए, थ्री के बराबर। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इसकी स्प्लिटिंग करने की, लेकिन नहीं हो रही है स्प्लिटिंग। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे का ऐसे ही रखेंगे पूरा नंबर, क्योंकि स्प्लिटिंग दिख नहीं रही है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं नहीं दिख रही है। तो चलो ये फिर पाँचवें क्वेश्चन की तरह नहीं है। इसको फिर क्या करोगे आप, ये और इसको ख़त्म करोगे, और अब क्या बचा, ये भी नंबर भी ख़त्म हो रहा है। फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, तो कितना आ गया, फोर टाइम, और ये वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस थ्री। मैं एक बार दोबारा बता दूँ, इसको हम स्प्लिट करते अगर होता तो, स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करता मैं, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही है। नंबर ही कुछ हमें ये पॉलिनोमियल ऐसा दिया हुआ है कि जिसकी स्प्लिटिंग जो है वो नहीं हो पा रही है, इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ा, ऐसे कैसे ही रखा। इसका जो अगला क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन नंबर फाइव, उसमें जब ऐसे कोई पॉलिनोमियल आएगा तो जिस जिस में स्प्लिटिंग होगी हम उसकी स्प्लिटिंग करेंगे और उसको आगे क्वेश्चन को निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी इसलिए इसको ऐसा ही। आप देखो इसका लास्ट पार्ट, x टाइम x प्लस वन, फिर x प्लस टू, x प्लस थ्री, और इसको डिवाइड करना है x टाइम x प्लस वन के साथ। ठीक है, x और x चला गया, x प्लस वन चला गया, तो क्या बचा, x प्लस टू और x प्लस थ्री। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर आपका ख़त्म है 13.3 का, तो इसको आपने ध्यान से समझ के नोट करना है। अभी इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है, वो इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझ के कॉपी पर नोट कर लेना आपने।